Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. Welcome to class 9. Today is our Pakistan Studies class. This is our lecture number 5. In the previous lecture, we are discussing the short question answer of unit number 4. As you have read the text, now come towards the question number 5 is describe early problems of Pakistan. Now comes towards the page number 93. As you can see in the video, you have seen the heading early problems of Pakistan. Number one is unjust division of Redcliffe. Number two, rehabilitation of refugees. Number three, administrative problems. Number four, distribution of assets. Number five, division of army. Number six, the river water issue. Number seven, issue of state. फर्स्ट हेडिंग में जैसे कि बताया गया कि 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत तय पाया गया पंजाब और बंगाल के सूबों को मुस्लिम और गैर मुस्लिम इलाकों में तकसीम किया जाएगा. मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जो हैं वो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस हदबंदी के लिए कमीशन बनाने और उसको कबूल करने पर इत्तेफाक राय हुआ और रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई जो एक बरतानवी माहिर कानून थे और उन्होंने गैर मुनसिफाना तकसीम करते हुए ज़िला गुरदासपुर की 3 तहसीलों गुरदासपुर पठानकोट और बटाला के अलावा ज़िला फिरोज़पुर की तहसील ज़ीरा और दूसरे मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हवाले कर दिया और गुरदासपुर के इलाके को भारत में शामिल करने से भारत को रियासत जम्मू कश्मीर तक रसाई मिल गई. नेक्स्ट वन रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ यानी कि महाजरीन की जो आबादकारी थी. क्या पाकिस्तान के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों ने अपने नए वतन में आने का फैसला किया. लाखों ख़ानदान अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए. ये उनके पास मतलब कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं जिसकी वजह से वो ना खुराक ना रिहाइश और दिया तो मतलब बाकी उनके पास डेली इस्तेमाल की चीज़ें कुछ भी नहीं. महाजरीन की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि कैंपों में भी गुंजाइश नहीं रही. लोगों को जहाँ सर छुपाने को जगह मिलती डेरे डाल लेते. नंबर थ्री हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम यानी कि इंतजामी मुश्किलात. पाकिस्तान के इलाके में सरकारी मुलाजमतों पर फायज गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में भारत चले गए. दफातर खाली हो गए. दफातर में फर्नीचर स्टेशनरी और टाइप राइटर वगैरह की कमी थी. अक्सर दफातर जो है वो खुले आसमान के नीचे बनाए गए. नेक्स्ट वन है असासों की तकसीम. असासों की तकसीम में ये कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुतनासिब तकसीम में नाइंसाफ़ी से काम लिया. वो हीले बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से ग्रेज़ करते रहे. इसके अलावा उन्होंने मीशत पाकिस्तान की मीशत तबाह करने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल किया. इसके अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे असासे रोक लिए. पाकिस्तान का हिस्सा 750 मिलियन था. भारत में यह हिस्सा देने पर आमादा ना हुआ. पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुतालबे अरबानों का सतह पर अपनी साख कायम रखने की मजबूरी की वजह से भारत ने 700 मिलियन रुपए दिए. नेक्स्ट हेडिंग है डिवीजन ऑफ आर्मी. फ़ौज की तकसीम जब की गई तो फ़ौज की तकसीम में जैसे कि 87 फैक्ट्रियाँ थी वो भारत के हिस्से में आई और इसके अलावा जो भारत 87 फैक्ट्री का मशीनरी का सामान जो वो भी उन्होंने अपने पास रख लिया. काफ़ी तकरार के बाद जो है वो ये तय पाया कि 87 फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपये दिए जाएंगे. हेडिंग है जी द रिवर वाटर यानी कि दरियाई पानी का मसला. इसमें भी इसी तरह से जो है वो किया गया और आगे है रियासतों का तनाज़ा. रियासतों का तनाज़ा में किया गया जे अंग्रेज़ों के दौर खून बरसगी में लगभग 600 देसी रियासतें थीं. आज़ादी के बाद इन रियासतों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाने लगा. काबीना मिशन प्लान के वास्ते रियासतों के हुक्मरानों को कहा गया कि मुस्तकबिल में अपनी हैसियत मुफ़ताद के तहफ़ के लिए दस्तूर साजी के अमल में शरीक हों. इश्यूज ऑफ स्टेट तक जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. नाउ कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 एलेबोरेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव यानी करारदाद मकासद के अहम जो बयान आते हैं इसमें आप पेज नंबर 100 पर आ जाएंगे. पेज नंबर 100 से पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 से आप स्टार्ट करेंगे इसका आंसर. इसमें नंबर 1 है सोवरेनिटी, इस्लामिक लेजिस्लेशन, इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, फेडरल गवर्नमेंट. नंबर 6 है फंडामेंटल राइट्स. नंबर 7 डेवलपमेंट ऑफ बैकग्राउंड एरियाज. नंबर 8 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. सो दिस इज़ द पेज नंबर 102 में आप जो हेडिंग नंबर 9 है यहाँ तक इसका आंसर करेंगे. इसमें सबसे पहले कहा गया है कि हाकमियत का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है. इसके अलावा इसमें इस्लामी कानून साजी कुरान सुन्नत के मुताबिक जो है वो तरतीब दिया जाएगा और इस्लामी अकदार जमहूरियत आज़ादी मसावात को फ़रोग दिया जाएगा. इस्लामी तर्ज ज़िंदगी होगा. उसके अलावा वफाक पाकिस्तान एक वफाक हो जिसमें सूबों को आइन की हदूद के अंदर रहते हुए खुद मुख्तारी हासिल होगी
اور شہریوں کو بالامتیاز معاشرتی معاشی اور سیاسی حقوق حاصل ہوں گے. کوسچن نمبر 3 پوچھا گیا ہے کہ رائٹ سائلنٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1962. اس میں آپ پیج نمبر 111 سے دیکھیں گے, جیسے سٹارٹ کریں گے. فرسٹ ون ہیڈنگ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن, فیڈرل کانسٹیٹیوشن, پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن, ریجڈ کانسٹیٹیوشن. نمبر 5 یونی کیمرل لیجسلیچر, سنگل سٹیزنشپ, فنڈامنٹل رائٹس, اسلامک پروونشنز. نمبر 9 ہے اسلامک ایڈوائزری کونسل, اور نمبر 10 ہے نیشنل لینگویجز اینڈ انڈائریکٹ ڈیموکریسی. سو دس از دا اینڈ آف اوور کوشچن نمبر 3. ناؤ کم ٹوورڈز دا کوشچن نمبر 8, ڈسکرائب دا کازز آف دا سیپریشن آف پاکستان. کم ٹوورڈز دا پیج نمبر 125, کازز آف سیپریشن آف ایسٹ پاکستان. یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے. فرسٹ ون ہیڈنگ ایوب خانز ڈکٹوریل ایرا, لیک آف نیشنل لیڈرشپ, پور اکنامک کنڈیشن. نمبر 4 ہے نیگیٹو رول آف ہندو ٹیچرز, یوز آف بنگالی لینگویج, پروویژنل پریجوڈس, ٹریٹوریل پالیسیز آف دا پولیٹیشینس, کانسپیرائسیز آف بگ پاورز, سکس منتھ فارمولا آف شیخ مجیب الرحمان. نمبر 10 ہے بھٹو مجیب الرحمان ڈفرینسز, سکسیس آف ریجنل پارٹیز. نمبر 12 ہے ملٹری ایکشن. نمبر 13 ہے ہائی جیکنگ آف گینگا ایروپلین اینڈ انڈیاز ملٹری انٹرفیئرنس. سو دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 8. سو دس از دا اینڈ آف اوور لیکچر. اف یو ہیو اینی کنفیوژن, یور کانٹیکٹ آن دا اسکول آفیشیل نمبر. ڈو یور ورک آن یور نوٹ بک, نیٹ اینڈ کلین, ریڈ اٹ اینڈ آلسو لرن اٹ.